हेलो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक यूनिक डिज़ाइन बनाने की, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बहुत से ट्रिक समझाने वाला हूं फोटोशॉप में, और आप ये फोटोशॉप में किसी भी वर्जन में आप कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैंने एक फ़ाइल ले लिया, मैंने कंट्रोल एन किया, मैंने 3612 और 250 का मैं रेजुलेशन यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। देखिए, इस डिज़ाइन को आप प्री वेडिंग के अंदर यूज कर सकते हो, अपने डीएम के अंदर यूज कर सकते हो। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप किसी भी टाइप का प्री वेडिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो, और आप डिज़ाइन मैन्युअली भी बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक ब्लैंक शीट ले लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, न्यू लेयर क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लिया मैंने, और मैं इसमें कलर लगा देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला हल्का सा। देखिए, ये यहाँ से मैंने कलर पिक कर लिया, ओके कर दिया। ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस, ठीक है, ऑल्ट के साथ में मैंने बैक स्पेस प्रेस किया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लेयर में जाके लेयर मास्क हाइडल, ठीक है, बी प्रेस करूँगा, राइट क्लिक किया। ब्रश मुझे कौन सा लेना है उस पर डिपेंड करता है, मुझे सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है, तो सॉफ्ट राउंड ब्रश को मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए, ठीक है, ओपेसिटी फॉलो इसको बढ़ा लेते हैं, 100 कर लेते हैं। ये इस टाइप से हमने इसको थोड़ा सा लाइट और डार्क मिक्स कर लिया है, ठीक है, इस टाइप से कि यहाँ पे लाइट दिखे, यहाँ पे डार्क दिखे अपना। ठीक है, अब इसमें मैं हमें क्या करना है, एक शेप्स लगानी है। तो देखिए, शेप्स आप ब्रश के अंदर भी, ब्रश टूल से आप काफ़ी शेप्स बना सकते हो, ब्रश के अंदर से, यहाँ से आप बहुत अलग अलग तरीके की आप शेप्स बना सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने एक शेप से क्रिएट कर रखी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कस्टम शेप में जाता हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए ये वाली शेप मैं ले लेता हूँ, ये वाली शेप, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया, शेप को आपको कैसे यूज करना है, क्लिक किया शेप के ऊपर, इमेज में आ जाइए, यहाँ पे आपको शेप्स लेना है, पाथ लेना है या पिक्सल्स लेना है, तो यहाँ पे शेप्स लेना है। ब्लैक किया यहाँ पे, ये ब्लैक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रोक हमें नहीं लेना, तो ये नन करना है स्ट्रोक को, ठीक है, और इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा शेप्स, कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं और इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ, डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया एक, तो ठीक है, इसी का एक डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल टी करना है, छोटा करना है, ठीक है, ये देखिए हो गया, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब क्या करना है इसको फ्रेंड्स, से कि एक रेक्टेंगल लेना है, जैसे ये रेक्टेंगल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रेक्टेंगल पे स्ट्रोक लगाना है, यहाँ पे स्ट्रोक, वाइट स्ट्रोक लगाना है, और ये वाइट स्ट्रोक हमने लगा दिया, थोड़ा सा ग्रे कलर में इसको दिखा देते हैं कि ताकि स्ट्रोक दिखे। स्ट्रोक इनसाइड कर दिया हमने, ये देखिए यहाँ पे इनसाइड आ गया, थोड़ा सा इसका कलर लाइट कर देते हैं ताकि ये बाद में दिखे, वाइट ही दे देते हैं। ठीक है, हल्का सा इसमें ड्रॉप शेडो लगाना, हल्का सा, ये देखिए ये ड्रॉप शेडो आ गया, ओके कर दिया हमने। ठीक है, ओके करने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या करना है, एक और हमें रेक्टेंगल बनाना है, ये रेक्टेंगल बनाया हमने, ये देखिए, ठीक है, रेक्टेंगल को रस्टर साइज कर देते हैं, राइट क्लिक करके रस्टर साइज, ठीक है, और इसको इसके पीछे लेके जाते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ से फिल्टर में जाके ब्लर, कितना ब्लर करना है, इतना ब्लर करना है, ठीक है, ओके किया। ये हल्का सा इसमें 3D लुक देना है अपने, कंट्रोल टी करके, और इसको देखिए वर्प करना है, तो वर्प किया यहाँ पे और यहाँ पे,
कलर्स को थोड़ा सा बाहर लेके आते हैं, ठीक है। इस टाइप से हो गया, ये देखिए दोनों को ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो गया, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले आए, कंट्रोल टी करके ओल्ट के साथ में, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल टी किया और घुमा दिया थोड़ा सा, ये देखिए इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे 3D लुक आ रहा है इसमें भी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बैक कर देते हैं, एक डिजाइन को नीचे वाली को बैक करना है, ठीक है। अब इसी का हमें क्या करना है, एक डुप्लीकेट और करना है, ये डुप्लीकेट किया, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा किया और इसको घुमाना है, कंट्रोल टी छोटा, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। इस टाइप से आपने क्रिएट किया। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, कि जैसे मान लीजिए मैंने वापस एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया, सॉरी रेक्टेंगल में मैंने कस्टम शेप लिया है, कस्टम शेप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मान लीजिए मैं कौन सा डिज़ाइन, ये डिज़ाइन ले लेता हूँ, ठीक है। ये डिज़ाइन मैंने लिया, यहाँ पे क्रिएट किया, इसका कलर मुझे जो चाहिए उस टाइप का कलर मैं रख लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। इसी कलर में हम इसको चेंज करेंगे, इसका कलर फिल क्लिक और लाइट कलर, ये वाला लाइट चाहिए हमें, ओके किया, ये लाइट आ गया। और इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसी का एक छोटा रूप यहाँ पे दे देते हैं, सॉरी ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देने हैं, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मैं ये मेरा टेक्स्ट का जो मैंने एक जगह कर रखे हैं ये मैं ओपन कर लेता हूँ, सॉरी इसके डायरेक्ट इसके अंदर ड्रैग हो गया, इसको सीधा ड्रैग किया फोटोशॉप में बाहर, ठीक है। और दूसरा जैसे मुझे ये वाला टेक्स्ट लगाना है, इसको मैंने क्लिक किया और इसके साथ में ये वाला टेक्स्ट भी ले लेता हूँ मैं, ठीक है, क्लिक किया ड्रैग कर दिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगा दिया ये वाला, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में इसी में से मैंने क्या किया कि ये यहाँ पे लेके और ऐसे लगा दिया मैंने, ये देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा इधर लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए, ये बैकग्राउंड के पीछे आ गया। तो ये इस टाइप की डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो, और पूरा तरीका मैंने बता दिया है कि बिल्कुल एक बैकग्राउंड लिया हमने छोटा सा और उसी के हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मल्टी टैलेंट वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस टाइप की डिज़ाइन हमने क्रिएट कर लिया है, और अगर आपको PhD बैकग्राउंड चाहिए तो हमारे पास 2150 PhD हैं इसी टाइप की, जो हमने आपको सैंपल दिखाया अभी बना के, इस टाइप की डिज़ाइनें हैं और अलग अलग मिक्स डिज़ाइनें हैं, उनको आप परचेज कीजिए और अपने एल्बम को मैन्युअली बनाइए और बहुत अच्छा एल्बम आप क्रिएट कीजिए। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।